प्रदेश के बागपत जिला जेल में बाहुबली डॉन मुन्ना बजरंगी के मारे जाने के बाद सूबे की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो वहीं पूर्वांचल के एक और बाहुबली की साजिश के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। इनका नाम अतीक अहमद है, जो कि देवरिया जेल में बंद है। बीते दिनों इनकी बैरक से जेल प्रशासन को 2 सिम कार्ड, 4 पेन ड्राइव और दूसरी बैरकों से मोबाइल चाकू बरामद होने के बाद साजिश की आशंका जताई जाने लगी है। तो वहीं अब ऐसे में जेल प्रशासन कोई भी चूक करने से बचना चाहता है, और इसलिए अब अतीक अहमद के खिलाफ अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लेने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है अतीक अहमद के बैरक से इन सब चीजों के बरामद होने के बाद बाहुबली को देवरिया जेल से किसी और जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत जिलाधिकारी ने आईजी को खत भी लिखा है। खैर, इस खत पर आईजी की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाई है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।